हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू हंटर बाबू। मुझे इनकी गोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी रगड़ मिटाना चाहत इनकी अपने पे रखते काबू हंटर बाबू हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी अब तो केवल खेती बाड़ी जय जवान की जय किसान की अजब गजब का इनका जादू लगे ठहाके खुल के हंसते हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू। आगे हो क्या हुआ? चौबे जी कठे हैं। पापा को किसी काम से मुंबई जाना पड़ेगा। अरे एमएलए भैया कैसे हैं? अरे हम बिल्कुल ठीक हैं। लगता तो नहीं, चेहरा बड़ा उतरा उतरा लग रहा है आपका। तुम कब से चेहरा पढ़ना सीख गया बाबू? अब ये अपनी जरा फोटो देखिए और इसे फेसबुक वाली फोटो से मिलाना, जमीन आसमान का अंतर है भैया। अब तुम हमरा छोड़ो, अपना बताओ। अब उस दिन घर पर आ पाए थे, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। पहले से बिल्कुल ही चेंज हो गए हो। डरा डरा सा लड़का एकदम स्मार्ट हो गया, क्या बात है। लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब कि हमरा मजाक उड़ा रहे हो। इस मतलब की चक्कर में हम इसको भूलना चाहते हैं, बाकी कौनो ना कौन हमको याद दिला देता है। भैया जी इतनी जल्दी भी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ते। बहुत शैतान हो गए हो। अच्छा ही बताओ मतलब कि कहाँ से आ रहे हो साइकिल से? भैया आप ही देखिए, एक थैले में ज्वार है, एक में मक्का। बाइक खराब है का? नहीं तो, पर सोचा चलो साइकिल से ही चले जाते हैं। अब लोग पैसे देकर जिम में जाते हैं, ट्रेडमिल चलाने साइकिल चलाने, लेकिन सबके घर पे साइकिल है भैया जी। मतलब कि बिना फीस के एक्सरसाइज कर रहे हो। और पर्यावरण की सुरक्षा भी हो जाती है भैया जी। ये तो बहुत ही उत्तम और प्रोग्रेसिव विचार है बाबू। अच्छा हरादन ये सब छोड़ो, गाँव का क्या हाल चाल है? अब आपसे कुछ छिप सकता है क्या भैया जी? गाँव में किसी से भी बात करो, बस एक दूसरे की शिकायत करना है। अगर गांव में हंटर बाबू ना हो ना, तो इस गांव के लोग तो आपस में ही लड़ भिड़ कर मर जाएंगे। एकदम सही कह रहे हो। पता नहीं अपने गांव को किसकी नजर लग गई है, माहौल खराब होते जा रहा है। खैर तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? चलो चलो बाय। Thank you.
यस सर। या आई ऑन द सर्वे। वाह, आज की स्वीडिश का तो जवाब नहीं। तभी आप कटोरी एकदम साफ करके खा लिए हैं। अगर आप रोज इतनी स्वादिष्ट स्वीडिश खिलाओगी तो हमारा तौंद इतना बढ़ जाएगा। लेकिन आज के स्वीडिश में ना मेरे हाथों का कमाल नहीं है, ये तो नेहा के हाथों का कमाल है। वाह, तभी मैं सोच रहा था कि स्वीडिश में आज स्वाद बदला बदला क्यों है। तो फिर दीजिए नेहा को सावसी। नेहा, तुम्हारे ससुराल वाले तो गद गद रहेंगे। ससुराल वालों की तो बात ही मत कीजिए, अभी हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्यों क्यों, तुमने अपने बारे में सोच लिया क्या? अभी टाइम नहीं आया। चलो ये सब रख के आते हैं। ला आंटी, आप रहने दीजिए ना। अरे मैं उठा कर ले जाती हूँ, दो ही बात नहीं मैं उठाती हूँ ना। नहीं, मैं लेके चलो। चलो दोनों चलते हैं। चलिए चलो। क्या बात है, आज बड़ी हंसी छूट रही है। क्यों, हर कुछ आपको बताना जरूरी है क्या? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे खाने के बाद सबको सुस्ती छा गई क्या? चलिए ना बाहर टहल के आते हैं। नहीं नहीं, आज हम बाहर टहलने नहीं जाएंगे, आज हम नेहा का गीत सुनेंगे। अरे वाह, गाती भी है? हाँ, इसकी माँ भी गाती है। नहीं 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 नहीं, मैं तो हमको मत सिखाओ, हम सब सुने हैं। बेटा तुम्हें मालूम है, तुम्हारी आंटी को भी म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था और गाने का भी बहुत शौक था। कभी कभी हम भी इनके साथ गुनगुनाया करते थे, लेकिन अब तो इनको हमारे साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। अब ये पुराना राग मत अलापिए, वो समय अब चला गया। पुराने गवैया कभी पुराने नहीं होते। अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर लेती हूँ? हो सकता है तुम्हारी संगति का असर हो। अच्छा, ये सब बातें ही होती रहेंगी कि कोई गाना बजाना भी होगा? नेहा गा भी दो ना। नहीं। अरे नहीं। अरे सुना दो ना। नहीं। अरे बेटा सुनाओ ना। गला भी ठीक नहीं है। अरे गा दो गा दो गा दो गा। अच्छा तो मैं आपको अपनी मम्मी की पसंद का गाना। हाँ ठीक है ठीक है। सुना। आज भी इस गाने को गुनगुना। हाँ गा गा। सबको साथ देना पड़ेगा। पक्का तुम गाओ। ठीक है।
नन्नी नन्नी बूंदिया रे सावन का मेरा झूलना, नन्नी नन्नी बूंदिया रे सावन का मेरा झूलना, हरी हरी मेहंदी रे सावन का मेरा झूलना, हरी हरी मेहंदी रे सावन का मेरा झूलना। एक सुख देखा मैंने मैया के गांव में, एक सुख देखा मैंने मैया के राज में, एक सुख देखा मैंने मैया के राज में, छोटी छोटी गुड़ियों से गलियों में खेलना, छोटी छोटी गुड़ियों से गलियों में खेलना। एक सुख देखा मैंने भाभी के राज में, एक सुख देखा मैंने भाभी के राज में, गोदी में भतीजे को गलियों में लेके घूमना, गोदी में भतीजे को गलियों में लेके घूमना। एक सुख देखा मैंने सासू के राज में, एक सुख देखा मैंने सासू के राज में, आधी आधी रातों में चक्की का पीसना, आधी आधी रातों में चक्की का पीसना। अरे वाह 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 बेटा, आज तो तुमने ऐसा कमाल किया है कि हमको अपनी पुरानी स्मृतियों की याद आ गई और आत्मविस्मृति हो गई। सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना से रोजगार की एक बड़ी संभावना को बल मिला है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा डेयरी खोलने वाले लोगों को 25 से 33 फीसदी सब्सिडी भी मिल रही है। आकाश कितना सुंदर है, आपकी छत्र छाया में पूरा संसार है। हमें तो एक छत बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है और आप हैं कि यूं ही बने हुए हैं। जो सुख आपके नीचे है वो हमें किसी छत के नीचे नहीं मिलता। वाह वाह वाह। तभी तो हम बताएंगे। आप हमेशा हड़बड़ी में क्यों रहती हैं? क्योंकि हमारे अंदर ना आपके इतना धैर्य नहीं है। ये धैर्य तो सब में होना चाहिए, इससे मन शांत नहीं होगा। अब उपदेश देना बंद कीजिए और पूछिएगा कि बात क्या है। मखनी जी बताइए कि बात क्या है जो भोरे भोरे आप हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। ज्यादा इतराइए मत, ये देखिए मुखिया जी का फोन आया था। मुखिया जी का फोन सुबह सुबह? हाँ। बिजी आ रहा? पता है, बता रही थी कि ब्रह्मदेव के लोग पूरी रात उनके घर के चक्कर काटे हैं, बहुत डरी हुई थी। जरूर कुछ हुआ होगा। उनका कॉल बिजी आ रहा है, ये सुबह सुबह किससे बात कर रही होंगी? ब्रह्मदेव जी ना
बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। पूरे गांव में अशांति मचा रखी है। इस पाप का दंड उनको अवश्य मिलेगा। अरे बड़े बड़े इससे नहीं बच पाए तो ब्रह्मदेव की क्या औकात है। पर अभी करना क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि आज ही बीड़ी को एक बार मिल के आ जाता हूँ, कहीं बात ना बिगड़ जाए। अरे बात कितनी भी बिगड़ जाए लेकिन बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारे मिलने से उसका दिमाग बदली हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि आपके मिलने का वो ये मतलब निकाले कि आप लोग डर गए हैं। बात तो आप पते की कर रही हैं, लेकिन फिर भी आजमाने में क्या हर्ज। आइए आइए। धन्य भाग जो आप हमारे घर पधारे। बाबू देवी दयाल जी उर्फ हंटर बाबू प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए। अरे कुर्सी लाओ भाई। जी भाई। बैठिए। बिराजी आप भी। बताइए आज सुबह सुबह ही कैसे आ गए? सुबह के समय आप पाठ पूजा करते हैं, सोचा कि यही ठीक समय आपसे मिलने का। इस समय आप भगवान को याद करते हैं तो मन भी पवित्र रहता होगा। अरे क्या दूसरे समय में हमारा मन अपवित्र रहता है? हमने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आपके कहने का भाव तो यही था। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। रे सुदर्शन। जी मालिक। दो कप मलाई मार के चाय भेजो। अरे नहीं नहीं, मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, यहाँ पर एक विशेष काम से आया हूँ आपके पास। अच्छा, हुकुम कीजिए। हुकुम नहीं, आपसे अनुरोध करने आया। मुखिया जी और आपके बीच में खींचतान न हो तो अच्छा है। आपको कैसे पता कि मुखिया से हमारा अनबन है? बाबूजी, मैं उतना विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, बस यही इच्छा है कि गांव में शांति बनाए रखिए। हंटर बाबू, आप हम पर बिना मतलब का तोहमत लगा रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं। आपके और मुखिया जी के बीच में जो भी कोई पहले रंजिश रही होगी उसे भूल जाइए और गांव की भलाई के बारे में सोचिए। ब्रह्मदेव बाबू, ये हम सबका कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। देखिए अंटर बाबू, पहले तो आप अपने दिल से ये निकाल दीजिए कि मुखिया से हमारी कोई दुश्मनी है या थी। और रही बात गांव की, तो गांव तो जैसे आपका है उसी तरह मेरा भी है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद ना टूटे। अच्छा जी, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। ठीक है एंटर बाबू, आते रहिएगा। लेकिन जरूर। प्रणाम।
प्रणाम। ब्रह्मदेव का असली रूप अभी देखे कहाँ है हंटर महाराज? आपको नहीं पता, आप तो खुद किसान हैं। अरे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जब अनजान बन के बात करेंगे ना तो फिर यही होता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हड़बड़ा के कुछ कर बैठे ना तो समझ लीजिए कि हम आधी लड़ाई पहले ही हार जाएंगे। ना 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 ना, कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं घर पर ही हूं, आप आइए। किसका फोन था? कुल्हड़िया वाली का। वो सिनूरी के साथ मुखिया जी के यहाँ जाना चाह रही थी और बीड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाह रही थी। तो करने दीजिए ना। अरे मैडम, जालिमों के साथ दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती है, वरना ऐसा हो जाएगा कि हड़बड़ी की शादी और कनपटी पे सिंदूर। आपको क्या लगता है बीड़ी शांत बैठेंगे? अखनी जी, किसी को टोह के देखे बिना हम कैसे जानेंगे कि उसके मन में क्या है? आप तो उनसे मिल के आए हैं ना, आपको क्या लगता है वो शांत बैठेंगे? देखिए हमारा काम था अनुरोध करना, सो हमने किया, अब उसके अगले स्टेप का इंतजार तो करना पड़ेगा। ये कौन सा चावल है? आपको नहीं पता, आप तो खुद किसान हैं। अरे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जब अनजान बन के बात करेंगे ना तो फिर यही होता है। मक्खनी जी, कभी कभी बात करने का बहाना ढूंढना पड़ता है। हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं क्या? ये पुराना चावल है। तभी तो क्या? बिल्कुल आपके जैसा है, पुराना। आपका कहने का क्या मतलब है, हम पुराने हो गए? अरे मेरा कहने का मतलब है कि पुरानी चीज में जायका ज्यादा होता है। हम देख रहे हैं आजकल आप थोड़ा ज्यादा ही मस्ती में रहने लगे हैं। हम तो हमेशा ही मस्ती में जीते। क्यों, आपने अपनी उम्र कम कर लिया है क्या? मक्खनी जी, जिसकी बीवी आपके जैसी हो वो अपने आप को कैसे बूढ़ा समझ सकता है? चुप रहिए, आजकल आप थोड़ा ज्यादा लल्लो चप्पो करते हैं। वाह वाह वाह। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। जी कहिए। हम आज ब्रह्मदेव जी से मिलने गए थे। क्या?